लाइव से मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और शुरू करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। राशन मिलता रहेगा, कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने बढ़ाया, तीनों कृषि कानून रद्द करने को भी मंजूरी। विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेते, इन हालात से दुनिया भर का क्या संदेश जाएगा। आतंकी के भाई को कमान, सीएम चन्नी ने आतंकी संगठन FFG के लीडर के भाई को जैनको का चेयरमैन बनाया, ऑफिस न गनमैन भी दिया। सर्विस टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा, इन टेक्नोलॉजी पर इंजीनियर ने काम शुरू किया, 5G का प्लान भी बताया। शायद नायक कबीर सिंह के बाद के दिनों का हाल, बोले फिल्म की रिलीज के बाद में भिखारी की तरह डायरेक्टर के पास जाता था। अधिकारियों की पहल, संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त एवं उपायुक्त ने जमा किया अपने घर का कचरा प्रबंधन शुल्क, ताकि नंबर 1 रहे हम भारत। कपिल के शो में स्मृति ईरानी को नो एंट्री, जोमेटो डिलीवरी बॉय को फ्री एंट्री, नाराज मंत्री ने कैंसिल की शूटिंग। फायरिंग, पुलिस छावनी बने बूथ, डिडरी में रात भिड़ गए, 2 प्रत्याशी लोगों ने हवाई फायरिंग की बात कही। अमेरिका से मुंगेर आकर डाला वोट, माँ है मुखिया प्रत्याशी, एयरफोर्स ने रिटायर्ड अधिकारी पिता ने कहा था कि माँ के लिए नहीं वोट डालने के लिए। महिला के पर्स में मिले कारतूस, इंडिगो फ्लाइट से जबलपुर जा रही थी, पुलिस से बोली बच्चों ने छीन कर रखे थे, ध्यान नहीं रहा। सुपरफास्ट में आज के लिए इतना ही, ऐसे ही देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।